जय हिंद मेरे देश के सैनिकों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि भाई कितनी योग्यता उसके लिए चाहिए, ठीक है, कितनी हाइट, कितनी चेस्ट, कितनी रेस, ये सभी दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों यहाँ पर हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल वार्डन के बारे में बात करेंगे। यूपीएसआई का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो यूपी जेल वार्डन और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों आपको योग्यता 12वीं होनी चाहिए, यानी अगर आपके पास में इससे कम योग्यता है, 10वीं है, तो भाई आप इसके पात्र नहीं हैं। 12वीं से ऊपर आपके पास में कोई भी योग्यता हो सब चलेगी, ठीक है। मानक है ओनली 12वीं, आपके पास में 12वीं दोस्तों कंपलसरी है, ठीक है, यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में लगना है। तो किसी भी कैटेगरी के लिए दोस्तों ये योग्यता जरूरी है। दूसरा है दोस्तों एज लिमिट, यानी कि आयु, आयु क्या निर्धारित करी गई है इसमें। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 18 से 22, ओबीसी एससी एसटी इन सभी को दोस्तों छूट मिलती है, लगभग 5-5 साल की छूट मिलती है। तो ये 18 से 27 तक भी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है जनरल के लिए 18 से 22 उत्तर प्रदेश पुलिस में, कॉन्स्टेबल हो या फिर जेल वार्डन का विभाग हो उसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, देखिएगा, पुरुष वर्ग यानी पुरुष कैटेगरी से जनरल ओबीसी और एससी के लिए दोस्तों हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, सीना चाहिए 79 से 84, यानी बिना फुलाव के 79 और फुलाने के बाद में 84 आपका सीना होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। और दौड़ चाहिए दोस्तों सभी के लिए 4.8 किलोमीटर, यानी 4800 मीटर, 25 मिनट का इसमें समय रहता है। कोई भी अंक दोस्तों इसके लिए निर्धारित नहीं रहते हैं। अब ये तो हुई जनरल ओबीसी और एससी की बात। वहीं बात करें दोस्तों एसटी की, तो लंबाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है, सीना चाहिए बिना फुलाव के 77 और फुलाने के बाद में 82। और दोस्तों दौड़ सभी के लिए समान है 4800 मीटर, कुल 25 मिनट में दोस्तों ये दौड़ आपको लगानी है। ये पुरुष कैटेगरी की हमने बात करी है, फिजिकल योग्यता आपके लिए ये रखी गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिकल वहीं महिलाओं के बारे में कि भाई महिलाओं की योग्यता क्या है फिजिकल में। तो महिला वर्ग के लिए दोस्तों जनरल ओबीसी एससी से आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीने की यह जरूरत महिलाओं की नहीं पड़ती है, और दौड़ 2.4 किलोमीटर, यानी 2400 मीटर, 14 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों महिला वर्ग एसटी के बारे में, तो हाइट 147 सेंटीमीटर और दौड़ तो भाई यही लगानी पड़ेगी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। तो ये महिलाओं के लिए दोस्तों योग्यता का मानक है। नेक्स्ट सिलेबस दोस्तों क्या है, कितने दोस्त इसमें विषय रखे गए हैं, देखिएगा, 4 विषय हैं, हिंदी, गणित, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस, ठीक है। हिंदी से 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, गणित से 20, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से 55 और सामान्य जानकारी से यानी कि दोस्तों जीके से 38 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो 150 होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 300 नंबर दोस्तों इसमें लाने आपके होते हैं, ठीक है, यानी निर्धारित हैं इतने, आप 240, 220 इतने नंबर पर भी सिलेक्शन दोस्तों इसमें पा जाते हैं। समय रहता है 2 घंटे का। दोस्तों मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को कि कैसे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, क्या क्या आपके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा मैं कि भाई कौन सी बुक आप पढ़ें जिससे यूपी पुलिस या जेल वार्डन में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो ये प्रोसेस था उत्तर प्रदेश पुलिस का। वजन भी दोस्तों इसमें एक मोहरा होता है, महिलाओं के लिए वजन लिया जाता है, महिलाओं के लिए दोस्तों 40 किलो वजन होना बहुत ज़रूरी है और पुरुष वर्ग के लिए दोस्तों वजन के हिसाब से वजन तय किया जाता है, यानी कि उनका कोई ज़्यादा खास उपयोगी नहीं है, लेकिन महिलाओं को कम से कम 40 किलो का होना जरूरी है, इससे कम कोई महिला है तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। पूरा फिजिकल का दोस्तों प्रोसेस आप सभी को बता दिया है, अगर आपको कुछ इसमें चूक लग रही है, ठीक है, तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछें। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।